हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और आज हम डिस्कस करेंगे सर्विंग का असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, और इसमें सभी जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड है वो पूरे रिपीटेटिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव आया। ठीक है, देखो कि यहाँ पे 2012 में इफ़ द डी इज़ द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, इफ डी इज द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन द करेक्ट प्रिज्मोडल फार्मूला फॉर वॉल्यूम। ठीक है, आपको करेक्ट प्रिज्मोडल फार्मूला बताना है आपको वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि d by 3 इन ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस फोर्थ इंटू समेशन ऑफ इवन एरिया प्लस टू समेशन ऑफ द ऑड एरिया। ठीक है, बहुत बार हम क्या होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फार्मूले में। ठीक है, तो आपको फार्मूला ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि डी बाय थ्री इन ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस फोर्थ इंटू समेशन ऑफ द इवन एरिया प्लस टू समेशन ऑफ द ऑड एरिया आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्केल इसमें से क्या है स्मॉलेस्ट स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 मीटर, ये जो स्केल है आपकी ये सबसे स्मॉल स्केल है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका कि When the curvature of the earth is taken into account, the survey is called as the geodetic surveying। देखो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब curvature of the earth is taken into account, that is also called as the geodetic surveying। ठीक है, देन है आपका डिटेल प्लॉटिंग इन अ प्लेन टेबल सर्विंग। जो हम डिटेल प्लॉटिंग करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में, इज डन बाय रेडिएशन। ठीक है, देखो कि जब हम डिटेल प्लॉटिंग करते हैं प्लेन टेबल में, डिटेल प्लॉटिंग हो जब होती है प्लेन टेबल सर्विंग में, तो हम वो कौन सी मेथड से करते हैं, रेडिएशन मेथड से करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि थियोडोलाइट ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसका यूज़ करके हम मेजरमेंट क्या करते हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, किससे, थियोडोलाइट के इंस्ट्रूमेंट से, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव कि इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग, आपको दिया है कि इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इन साउथर्न हेमिस्पियर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस कितना रहेगा। तो आपको 180 डिग्री में से 167 जब हम माइनस करेंगे तब हमको 13 डिग्री मिलेगा ईस्ट। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं कि द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रिसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रैवर्स इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्शन एंगल। क्योंकि जो एंगल जो होता है बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रिसीडिंग, ठीक है, ऐसे एक एंगल होता है उसको हम बोलते हैं द डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रिसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रैवर्स इज कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्शन एंगल। देन है नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव कि इफ द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन आर फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी 180 डिग्री। जो डिफरेंस जो होता है वो कितना रहता है आपका, 180 डिग्री का रहता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव कि फॉर अ टेकोमीटर के लिए द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट आर रिस्पेक्टिवली कितना होना चाहिए, 0 and 100। ठीक है, 0 and 100 इज द मल्टीप्लाइंग, दिस इज द एडिटिव कॉन्स्टेंट हो गया आपका, एडिटिव कॉन्स्टेंट होता है आपका 0 एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट होता है आपका 100, आपको ध्यान में रखना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट है आपका कि द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन सी डी इज 324 degrees 45 minutes, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन कितना होना चाहिए आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे कि 324 degrees 45 minutes में से माइनस हम करेंगे जब 180 डिग्री तब हमें मिलेगा 144 degrees 45 minutes। ठीक है, इफ़ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन सी डी इज 324 degrees 45 minutes, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन इज, इतना हमें माइनस करना पड़ेगा 180। ठीक है, तो तब हमें 144 degrees 45 minutes मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।